नमस्कार किसान भाइयों, हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक के साथ। किसान भाइयों, इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खाने पीने और सेहत बनाने के इस मौसम का आप लुत्फ ले रहे हैं या नहीं? वैसे हम जानते हैं कि आपके लिए तो सारे मौसम एक समान हैं, क्योंकि किसान कभी नहीं करता आराम है। आपकी तो सुबह और शाम खेतों में ही गुजरती है और इसीलिए आपकी मेहनत और लगन को हमारा भी सलाम है। वैसे किसान भाइयों, बात सेहत की निकली है तो एक ज़रूरी बात आज आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। इन दिनों हमारे कुछ किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इससे समय और श्रम की कुछ बचत होती है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी आगे देखने को मिलते हैं और इसका एक इलाज है जैविक खेती। जैविक खेती कैसे करें, क्यों करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, इस बारे में जानकारी देंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आप बीजों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वक्त है खेती किसानी की दुनिया में इस वक्त क्या हलचल चल रही है उस बारे में जानने का, और कृषि उपज मंडियों में क्या है आपकी फसल के दाम यानी मंडी भाव का। तो सबसे पहले आप देखिए खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चने की फसल में इल्लियों का नियंत्रण, सरसों को माहू से बचाएं, आलू के अगेती झुलसा की रोकथाम, अरहर को परिच्छेदक से बचाएं और दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाएं। चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप बहुतायत रूप से पाया जाता है। नियंत्रण के लिए समन्वित मिले जुले उपाय अपनाएं। फसल के बीच टी आकार की खूंटियां गाड़ें। इन खूंटियों पर पक्षी आकर बैठते हैं और इल्लियां इनका प्रिय भोजन होती हैं। इल्लियों के नियंत्रण का यह देशी और प्राकृतिक इलाज है, इसे शुरू से ही अपनाएं। रासायनिक नियंत्रण में ट्राइजोफास 40% ईसी 30 लीटर 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मिथाइल पैराथियान या क्यूनाल्फास डस्ट भी चने की इल्लियों के नियंत्रण में कारगर हैं। 10 किलो डस्ट प्रति एकड़ डस्टर मशीन से प्रातः या शाम के समय भुरकाव करें। इल्लियों के लिए घोल की बजाय डस्ट ज़्यादा कारगर है। चेपा या माहू से सरसों फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। सरसों में माहू पंखी नया पंख युक्त हल्के स्लेटी या हल्के रंग के 1.5 से 3 मिलीमीटर लंबे चुभने एवं चूसने मुखांग वाले छोटे कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं पूर्ण पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नई फलियों से रस चूसकर उसे कमजोर एवं क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट का प्रकोप दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है। जब फसल में कम से कम 10% पौधों की संख्या चेपा से ग्रसित हो व 26 से 28 चेपा पौधा हो, तब डाइमिथेट 30 ईसी या मोनोक्रोटोफास 36 घुलनशील द्रव्य की 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टर में छिड़काव करना चाहिए। यदि दोबारा से कीट का प्रकोप हो तो 15 दिन के अंतराल से पुनः छिड़काव करना चाहिए। माहू के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करना चाहिए। प्रारंभ में प्रकोपित शाखाओं को तोड़कर भूमि में गाड़ देना चाहिए। आलू का अगेती झुलसा रोग एक खतरनाक रोग है। आलू में अल्टरनेरिया सोलेनाई रोग का आरंभ नीचे की पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के बिखरे हुए गोलाकार धब्बे से होता है। बाद में पत्तियों पर भूरे रंग के चांदमारी के बोर्ड के शक्ल के धब्बे बनते हैं, जो अनुकूल अवस्था में आपस में मिलकर बृहत ले लेते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी दिखाई देती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगमुक्त फसल का स्वस्थ बीज होना चाहिए। बुआई से पहले बीज को शोधित करना चाहिए। जिनेब अथवा जिंक मैगनीज कार्बामेट या 1% बोर्ड मिश्रण जली घोल छिड़कें। पहला छिड़काव रोग प्रारंभ होने के पहले 25 से 30 दिन की फसल पर तथा दूसरा और तीसरा छिड़काव आवश्यकता अनुसार 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए। रोगरोधी प्रजातियां कुफरी बादशाह, कुफरी मोती, किस्में पछेती झुलसा रोग के लिए सहिष्णु पाई गई हैं। अरहर का फली छेदक कीट अरहर की फलियों, फूलों एवं पत्तियों को क्षतिग्रस्त करता है। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट या इमिडा क्लोरोपिड 17.8 SL को 30 मीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। NPV विषाणु 250 LE फली छेदक गिडार समतुल्य प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करने से समुचित नियंत्रण मिलता है। दुधारू पशुओं से अधिकतम दूध लेने के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखना अत्यधिक आवश्यक है।
डेयरी क्षेत्र में सर्वाधिक विकास की संभावनाएं दुधारू पशुओं की उत्पादकता से जुड़ी हैं। दुधारू पशुओं में आनुवंशिक सुधार, पशु स्वास्थ्य एवं दूध की गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश में लगभग 1.5 लाख गाँव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा विहीन हैं। आधारभूत सुविधाओं की कमी, स्वच्छ जल, बिजली एवं सफाई की कमी ऐसी बाधाएं जिसके चलते दूध की गुणवत्ता अधिक समय तक नहीं रह सकती। अतः इस क्षेत्र में यदि सरकार द्वारा यथोचित कदम उठाए जाएं तो दुग्ध व्यवसाय अपेक्षित विकास कर सकता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सोयाबीन के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। आगर में न्यूनतम भाव रहा 2700 रुपए, वहीं अधिकतम भाव रहा 3000 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 2701 रुपए, वहीं अधिकतम 3050 रुपए। देवास में न्यूनतम 2055 रुपए, वहीं अधिकतम 3088 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2200 रुपए, वहीं अधिकतम 2958 रुपए। अब हम अरहर के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जानेंगे। जबलपुर में न्यूनतम 4125 रुपए, वहीं अधिकतम भी 4125 रुपए। पिपरिया में न्यूनतम 3000 रुपए, वहीं अधिकतम 4501 रुपए। खरगोन में न्यूनतम 3900 रुपए और अधिकतम 4000 रुपए। नीमच में न्यूनतम 3101 रुपए, वहीं अधिकतम भी 3101 रुपए। अब हम काबुली चना के रुपए प्रति क्विंटल में भाव जान लेते हैं। धार में न्यूनतम 8410 रुपए, वहीं अधिकतम 13200 रुपए। खातेगांव में न्यूनतम 11000 रुपए, वहीं अधिकतम 12021 रुपए। रतलाम में न्यूनतम 11566 रुपए, वहीं अधिकतम 13500 रुपए। उज्जैन में न्यूनतम 8350 रुपए और अधिकतम 13101 रुपए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आजकल खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए नित नए परिवर्तन किए जा रहे हैं। ऐसे में कई किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं, जिसमें वो रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसान भाई, क्या आप जानते हैं कि इससे जो उपज होती है, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, फलों के रूप में हो या अनाज के रूप में हो, वो हमारी सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है, मिट्टी को नुकसान पहुँचता है। ऐसे में कुछ किसान भाई पूछेंगे कि भाई इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है जैविक खेती। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि जैविक खेती कैसे करें, तो इसका जवाब भी हमारे पास में है। हमारे साथ में है आज एक खास मेहमान, डॉक्टर राजेश सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं, भोपाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका आज हमारे साथ इस चर्चा में आप जुड़े। सबसे पहले सर, आपसे यही सवाल है कि जैविक खेती क्या होती है और ये कैसे की जाए? मेरा सभी प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में बैठे हुए किसान भाइयों को नमस्कार। दीपेश जी, एक बहुत अच्छा और समसामयिक आपने प्रश्न पूछा है, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं किसानों में हमारे कि हम जैविक खेती क्यों करें, उत्पादन कम होता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैविक खेती कोई एक नई खेती की पद्धति नहीं है। हमारा हर किसान भाई जानता है कि जैविक खेती, जिसे कि हम गाँव में घूरे की खेती बोलते हैं, और ये हमारी एक खेती की पद्धति है जो वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा पर आधारित है। मतलब सबके लिए भोजन, पशु पक्षियों से कीट से लेकर और वातावरण के हर जो छोटे छोटे जीवों के लिए खेती, और ये खेती ऐसी है जिसमें कि किसी भी तरह के रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। और पहले ये हमारी ऋषि खेती भी इसको बोलते हैं, पुराने ऋषि मुनि भी जैविक खेती करते थे, और ये पशुधन आधारित खेती होती है जिसमें कि हमारे वातावरण, जैव विविधता को कोई भी नुकसान नहीं होता है।
और डॉक्टर साहब, अब ये जानना चाहेंगे कि जैविक खाद क्या होती है, जैविक कीटनाशक क्या होते हैं, और ये रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक से कैसे अलग होते हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। लोगों में बड़ी एक उत्सुकता होती है कि ये जैविक शब्द क्या है, जिसको कि अगर हम किसी वैज्ञानिक से पूछें तो बोलता ऑर्गेनिक फार्मिंग है। कई तरह के नाम होते हैं, पर हमें ये समझना चाहिए कि ये साधारणतः घूरे की खेती होती है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सामने, ये एक फोर पिट का वर्धा मॉडल कहलाता है, जिससे कि जैविक खाद तैयार की जाती है। और जैविक खाद तैयार की जाती है किस चीज़ों से? जो खरपतवार निकलता है खेतों की निदाई के बाद, जो कचरा निकलता है उसको हम एक पिट में डाल देते हैं और उसमें कुछ गोबर मिला देते हैं, और उससे कुछ 30 से 40 दिन में खाद हमारी तैयार हो जाती है, जिसको कि केचुआ खाद बोलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कचरा है, जो कि आजकल हमारे किसान भाई खेतों में जला देते हैं। शायद उन्हें सस्ता पड़ता है कि जला दो तो लेबर का हमारा मेहनताना बचेगा, किंतु ये हमारे प्रकृति के लिए और जैसा आपने जो बदलता हुआ वातावरण है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए सबसे अच्छी सलाह ये है कि आप इसका कचड़े से जैविक खाद बनाएं, जिसे कि केचुआ खाद बोला जाता है। ये दूसरा आप जो चित्र देख रहे हैं ये नाडेप कहलाता है। इसमें कचड़े को किसी एक बड़े पिट में भर दिया जाता है और ऊपर से सील कर दिया जाता है मिट्टी और गोबर से। ये 3 महीने के अंदर इसमें से नीचे से जो छेद देख रहे हैं आप, उसमें भुरभुरा हुआ काला जैविक खाद निकलने लगती है। मतलब इसका एक लक्षण होता है कि ये पक चुकी है, और इसको खाली करके खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और जो ये खाद होती है, इसमें आपको जो केमिकल खेती में आप अलग अलग तरह से चीज़ों को डालते हैं, उर्वरक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको पोषक तत्व बोलते हैं, वो सब कुछ उपस्थित होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं सामने चित्र में, ये केचुए होते हैं। जी जी। ये एक विशेष तरह के केचुए होते हैं, जिसको कि टाइगर वर्म बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये साधारण जो जमीन के केचुए उनसे भिन्न होते हैं। ये केचुए इस जैविक खाद को तैयार करते हैं और 30 से 40 दिन के अंतराल में हमें भुरभुरी चाय की पत्ती के समान खाद प्राप्त हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल उठता है कि जैविक कीट नियंत्रण क्या होता है, वो कैसे इस्तेमाल में लाए किसान? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आप याद करिए, आज से 30-40 साल पहले जब खेतों के चारों तरफ कटीली बाड़ी होती थी, बेर के पेड़ होते थे, और उसमें आपको ये मालूम है कि जो हमारे कीट हैं, प्रकृति ने सब चीज़ों का नियंत्रण अपने पास रखा हुआ है। हम मानव उन चीज़ों को ख़त्म करके और रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। आप जानते होंगे कि एक ततैया होती है, और ततैया का ये गुण होता है कि ये कटीले झाड़ियों में होती है खेरों के किनारे, और वो इल्लियों को पकड़ के और खा जाती है। अच्छा। तो ये देखा गया है वैज्ञानिक रिसर्च में भी कि जिन खेतों के चारों तरफ इस तरह की बांगड़ होती है, वहाँ जैविक जो ये कीट होते हैं, जो कि हमारी फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, उनका प्रकोप 40 से 50% तक कम हो जाता है। और इसलिए हमें हर खेत में फूल लगाना चाहिए, अधिक से अधिक गेंदे के फूल लगाना चाहिए, दूसरे तरह के फूल लगाना चाहिए, ताकि वो कीटों को उसमें जो बड़े कीट होते हैं वो छोटे कीटों को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल अब ये कई किसान भाई जिनके मन में उठता है सवाल, ये और शायद आपके पास भी आते हों, कि एक भ्रांति है कि अगर हम जैविक खेती कर रहे हैं तो उत्पादन कुछ कम होगा और रासायनिक खेती से उत्पादन ज़्यादा होता है, इस बारे में आप क्या समझाना चाहेंगे? बिल्कुल सही चीज़ पूछी है। मैं एक छोटा सा आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। जब घर में हम डोसे या चीले बनाते हैं या इस तरह की भजुआ तलते हैं तो भरपेट खाते हैं, और वही जब होटल में हम खाना हम इस चीज़ को मांगते हैं तो 10 रुपये की एक प्लेट होती है, तो सीमित मात्रा में हम खाते हैं। यही चीज़ जैविक और रासायनिक खेती में है। रासायनिक खेती में जो भी चीज़ हम लाते हैं सब बाजार आधारित होता है, खरीद के लाना होता है। वहीं जैविक खेती में सब कुछ हमारे पास होता है। अच्छा। गोबर से लेके गोमूत्र से लेके सब कुछ हमारे पास होता है, इसलिए उसकी लागत खोती होती है। तो जो ये प्रश्न हमारे किसान भाइयों के दिमाग में भ्रांति है कि उत्पादन कम होता है, उत्पादन कभी कम नहीं होता है। अगर लागत 1 रुपये है तो आपको फायदा ही फायदा होता है। अगर 2 बोरे गेहूं भी कम हो गया आपका तो लागत कम होने से वो भरपाई होती है, और ये प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। और इसमें आप अगले साल खाद नहीं भी डालते हैं तो आपको बराबर उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि अब आप भी समझ गए होंगे और मानेंगे कि हाँ, जैविक खेती फायदे का सौदा है। और अगर अभी तक आपने इसे नहीं अपनाया है तो उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, मनुष्यों की सेहत के लिए भी आप जैविक खेती अपनाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। और मेरे किसान भाइयों को भी मैं अनुरोध करूंगा कि जैविक खेती को अपनाएं और प्रदेश को हरा भरा और स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर।
जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, एक कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी, हमने भी कई बार सुनी है कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। भाई कहावत बिल्कुल सही है, अगर आप जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल पाएंगे, अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो फसल भी आपकी अच्छी होगी। और खेती में सबसे महत्व होता है बीजों का, क्योंकि बीज खराब तो पूरी फसल खराब, आपकी मेहनत खराब, आपने जो पैसा लगाया वो सब बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में बीजों का चयन सबसे अहम है। और किसान भाइयों, कितना अच्छा हो कि अगर बीजों का उत्पादन आप स्वयं करें, इससे आपकी लागत भी कम होगी, आपको अच्छे बीज कम कीमत पर मिलेंगे। तो बीजों का उत्पादन कैसे करें, इस बारे में हम आपको बताते हैं, जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आरसी शर्मा, जो कि समन्वयक हैं हरदा कृषि विज्ञान केंद्र में। किसान भाइयों, 4 प्रकार के बीज होते हैं, न्यूक्लियस बीज, ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज और सर्टिफाइड बीज। किसान भाइयों, ये 2 तरह के बीज हैं, न्यूक्लियस बीज और ब्रीडर बीज, ये हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों पर तैयार होते हैं वैज्ञानिकों की देखरेख में। और जो फाउंडेशन है और सर्टिफाइड बीज है, ये हम किसान भाइयों अपने खेतों पर भी तैयार कर सकते हैं। तो बीज की जो समस्या किसान भाइयों को रहती है कि अच्छे गुणों का बीज नहीं मिल पाता है, तो अगर हम किसान भाइयों के अपने खेतों पर स्वयं का बीज तैयार करेंगे तो ये समस्या से हम निदान पा सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अपने खेतों पर बीज उत्पादन के लिए हम बीज तैयार करते हैं, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ये है कि खेत की तैयारी, किसान भाइयों खेत की तैयारी के लिए जब हम खरीफ की फसल काट देते हैं और उसके बाद जो है 2 कल्टीवेटर करते हैं, आड़ा और खड़ा, तो उससे हमारा खेत तैयार हो जाता है और उसमें जो भी खरपतवार के जो पौधे रहते हैं वो धूप से जो है नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद पलेवा करते हैं और पलेवा के बाद जो है फिर हम जो है उसकी बुवाई करते हैं। किसान भाइयों, जो है बीज तैयार करने के लिए हमें ये विशेष ध्यान रखना पड़ता है, फाउंडेशन बीज तैयार कर रहे हैं अपने खेतों पर या सर्टिफाइड बीज तैयार कर रहे हैं, तो एक श्रेणी का बीज जो है हमें पहले बोना पड़ता है। जैसे अगर फाउंडेशन बीज हम अपने खेतों पर तैयार करेंगे तो हमें अपने खेतों पर ब्रीडर बीज का बोनी करनी पड़ेगी। अगर सर्टिफाइड हम बीज तैयार कर रहे हैं तो हमें अपने किसान खेतों पर जो है फाउंडेशन बीज बोना पड़ेगा। एक तो यह है कि बीज हम जो है उचित संस्था से लें, दूसरा यह बीज का उपचार करें और बीज को जो है निश्चित दूरी पर बुवाई करें। जैसे चने के बीज के लिए कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखते हैं और गेहूँ के बीज के लिए हम जो है कतार से कतार की जो है 9 इंच की दूरी रखते हैं। और बीज की मात्रा चने के लिए 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम बोनी करते हैं और गेहूं के लिए 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करते हैं। चने के लिए खरपतवार नाशी के लिए पेंडामिथिलिन जो है 38.7% घोल का छिड़काव हम 700 ml दवा लेते हैं और 200 लीटर पानी में घोल करके और चने की बुवाई करने के 1-2 दिन बाद जो है छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो है हमारे खरपतवार उगते नहीं हैं। और गेहूं के लिए हम जो खरपतवार नाशी है वो जो है क्लोनोडिफाप और मेट सल्फुरान का मिश्रण आता है, जिसको 160 ग्राम जो है हमारा दवा आती है 200 लीटर पानी में घोल करके, और जब हमारी फसल 30 से 32 दिन की होती है तब उसका छिड़काव कर देते हैं। तो इस प्रकार हमको खरपतवारों से नियंत्रण पा सकते हैं। कोई भी पौधा जो हमारी जो हम वैरायटी लगा रहे हैं उसके अलावा हमारे उसमें खेत में नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए रोगिंग का 2 बार निरीक्षण करते हैं रोगिंग करने के लिए।
एक तो जो है आपका जब फसल की बढ़वार होती है तब देखते हैं कि जो भी हमने फसल का बीज उत्पादन कर रहे हैं, जैसे चने के लिए हमने बीज उत्पादन जेजी 130 का किया है या जेजी 11 का किया है या जेजी 16 का किया है, तो उसमें उसके पौधों के अलावा दूसरे किसी भी तरह के पौधे नहीं होना चाहिए, तो उनको निकाल करके हम जो है बाहर कर देते हैं। गेहूं जब हमारा जो है बालियां आती हैं उस समय हम देखते हैं कि कहीं दूसरे तरह की जो है बाली तो नहीं आ रही, तो उसको हम जो है जड़ से उखाड़ करके उसको अलग कर देना चाहिए। हमें जो है शुद्ध बीज बनाना चाहिए, और शुद्ध बीज हमारा तभी होगा जब हम दो तीन बार उसमें रोगिंग का कार्य करें। रोगिंग के लिए कम से कम दो बार हर फसल में दो तीन बार जो है रोगिंग जरूर करना चाहिए। सिंचाई के लिए हम चने के लिए एक पलेवा करते हैं, और दूसरा जो है जब हमारी फसल जो है 30 से 35 दिन की हो जाती है तब हम पानी देते हैं। और गेहूं के लिए हमारी जो हरदा की स्थिति है उसमें 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। एक तो हमारा जब फसल हमारी जो है 21 से 25 दिन की हो जाती है तब हम करते हैं, दूसरे 40 से 45 दिन की होती तब करते हैं, और तीसरी सिंचाई जो है 80 से 85 दिन की हो जाती तब करते हैं। तो वैसे तो तीन हरदा जिले के लिए फसल के लिए 3 सिंचाई जो है गेहूं में पर्याप्त होती हैं। और हम जो इसमें बीज बनाने के लिए एक और ध्यान रखते हैं कि जो हमारा प्लॉट है उसके बीच में कम से कम 3 मीटर का फासला हो, उसमें कोई भी बुनी होना चाहिए जिससे हमारा जो है दूसरे फसल के बीज जो है उसमें मिश्रित ना हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर रखेंगे और जब जो हमारा बीज है फसल है और वो अच्छी पककर तैयार हो, कच्ची फसल हम बीज के लिए उपयोग ना करें, अच्छी जब तैयार हो जाए तब हम उसको जो है हाथ से कटवाएं, और हाथ से कटवाने के बाद जो है उसको थ्रेसिंग करें, और थ्रेसिंग गहाई करके और उसको फिर सुखाना चाहिए, और सुखा करके फिर उसको भंडारण करें। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है, जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहीवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना जैविक खेती के बारे में। एक बात हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे कि जैविक खेती का अर्थ ये नहीं कि आप परंपरागत तरीकों को ही अपनाएं, हालांकि उनमें से कई आज के वक्त में प्रासंगिक हैं।
फायदेमंद हैं, लेकिन आप आधुनिक तरीकों से खेती करते करते अगर जैविक खेती भी उसके साथ में शामिल करते हैं तो आपका फायदा दोगुना हो जाएगा। तो आपको आज हमने जैविक खेती के बारे में बताया और साथ में हमने आपको बताया कि बीजों का उत्पादन आप कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारियाँ पसंद आई होंगी और आप इससे खेती किसानी में ज़रूर लाभप्रद होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति और हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी कुछ और नवीनतम जानकारियों के साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।